इंसानी जहन यादां ते ख्यालां दी आमाज गा है। ख्यालात खुशगुन भी होंदे ने ते दर्दनाक भी, यादां सुहानियां भी होंदियां ने ते गमगीन भी। क्यों जे बचपन दा जमाना बेफिक्री ते बादशाही दा जमाना हुंदा है, इहदे विच इंसान नूं अजे गमां ते परेशानियां दा इदराक नहीं हुंदा। इस लई बचपन दीआं यादां आम तौर ते सुहानियां ते इंतहाई दिलकश हुंदियां ने। तो ज़्यादातर लोग अपने बचपन अपने बीते हुए कल नूं याद करके आवां भरदे ने ते उस दौर च वापस जाण दी ख्वाहिश करदे ने। वैसे तो बचपन दीआं सारीआं यादां ही हसीन ते खूबसूरत हुंदियां ने, लेकिन इन्हां यादां विचों सब तों ज़्यादा खुशगुन यादां दा ताल्लुक उस दौर दीआं ईदां नाल जुड़िया हुंदा है। ईद की खास गल यह भी होंगी है कि उहदा तल्लुक अपने शहर अपने पिंड नाल बड़ा ही गहरा होंदा है, क्यों जे ईद वो खास त्यौहार है जिन्हों हर बंदा अपने शहर अपने इलाके च मनाउणा चाहुंदा है। ईद तो पहला मेहनत मजदूरी या नौकरी के सिलसिले में इंसान जिथे भी होवे वो अपने इलाके च वापस आउंदा है। जे किधरे सफर ते जाना भी होवे ते कोशिश करके सफर कैंसल कर दिंदा है ते ईद दे दिन तो पहला ही अपने पिंड या शहर पहुंचदा है। अगर गल की जाए साढ़े बचपन की ईद दे ते सानू ज़्यादा तो ज़्यादा एक या दो रुपए ईदी मिलती सी। बचपन की ईद का खिडौने नाल बड़ा ही गहरा तल्लुक सी ते उस दौर विच एक या दो रुपए में ढेर सारे खिडौने मिल जाते सी। उन्हां पैसे नाल असी लाटू ते बंटे खरीददे सी ते खाण पीण दीआं शैवां भी काफ़ी मिल जांदियां सन। उस दौर विच लाटू चलाउण दा बड़ा ही रिवाज सी। मैनूं याद है कि ईद तो कुछ दिन पहला इलाके दे तरखाण लाटू बनाउण दा काम शुरू करदे सी ते हर बच्चा अपनी अपनी पसंद ते साइज़ दा लाटू तैयार करवाउंदा सी। छोटे बच्चे छोटे लाटू ते वड्डे मुंडे वड्डे लाटू तैयार करवाउंदे सी। उस जमाने में चूंकि मोबाइल वगैरह नहीं सी, इसलिए हाथ ते घड़ियां पाउण दा फैशन बड़े ही अरूज ते सी। घड़ियां चाहे असली हुंदियां सी या नकली, दोहां दी बड़ी अहमियत हुंदी सी ते ईद दे मौके ते तरह तरह दीआं नकली घड़ियां बच्चियां लई दुकानां ते आ जांदियां सन ते बच्चे साकेत सूईयां वालियां एह घड़ियां पा के हवा च उड़दे सी। उन्हां दी खुशी वेखण लायक हुंदी सी। हवा च उड़ जाण वाले गुब्बारे वेचण वाले भी अपने साइकल दे आसे पासे बड़ा रश इकट्ठा कर लैंदे सी। गुब्बारे च हवा भर के उन्हूं धागे नाल बन्ह के ते धागे दे दूजे सिरे नूं बच्चे दी उंगल दे घेर ते लपेट दिंदे सी ताकि गुब्बारा बच्चे तो छुट के किते हवा च ना उड़ जावे। उस दौर विच ईद दे मौके ते घरां च आम तौर ते सेवियां ते सूजी दा हलवा बनदा सी, जबकि बाकी आम दिनां विच सालन रोटी हुंदी सी। सेवियां दीआं दो किस्मां सी, एक बाजार दीआं सेवियां जिहड़ियां बारीक हुंदियां सन ते दूजियां घर तैयार करदा मैदे दीआं सेवियां जिहड़ियां कि मोटियां हुंदियां सन। बारीक सेवियां चीनी पा के मिठियां पकाईयां जांदियां सन, जबकि मोटियां सेवियां पहलां उबालियां जांदियां सन ते बाद विच उन्हां विच घी ते शक्कर मिलाई जांदी सी। ਇਹ ਗਨ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਫੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਅਰਗਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਝ ਦੀ ਢੇਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਬਾਰਾ ਫੜਨ ਦੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚੇ ਏਅਰਗਨ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਸੈਵਨ ਅਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕੋਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਡਰਾਈ, ਬਬਲ ਅਪ ਅਤੇ ਆਰਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 8 ਆਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਵਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹ ਈਦੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫੈਰੋਜ਼ ਸੰਨਜ਼, ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼, ਹਮਦਰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ईदी दे पैसे नाल खरीदे सी। ईद तो पहला ते ईद तो बाद भी टीवी रेडियो ते ईद मुबारक ते ईद ते फरोख्त होने वाली चीज़ों के इश्तहार सुन सुन के साडे कन पक जाते सी। कपड़िया जुतियां टाफियां साबण मशरूबात बिस्कट ते आइसक्रीम की खूब तशहीर की जाती सी। ईद ते असी एक और शौक भी पूरा करते सी। सारे बन संवर के घर चो निकलते सी ते किसी फोटो स्टूडियो जा के बड़े एतमाम नाल ईद दियां तस्वीरां बनवाते सी। फोटो स्टूडियो एक बड़े जे कमरे ते मुश्तमिल हुंदा सी जिहदी पिछली दीवार ते आर्टिस्ट ने एक खूबसूरत बाग दी रंगीन तस्वीर पेंट कीती हुंदी सी। असी उस मसनूई चमन दे सामने खड़ो के बड़े ब्लैक एंड वाइट तस्वीरां बनवाते सी। फिर वो तस्वीरां सानू कई दिन बाद मिलदियां सी। ईद ते किराए दी साइकल लैके बजाउण दा शौक भी पूरा कीता जांदा सी। किराए दी साइकल वाले तकरीबन हर पिंड विच मौजूद हुंदे सी। उन्हां कोल कई रंगां दीआं साइकलां हुंदीआं सन। इत्थे नवीआं फिल्मां दी रिलीज़ हुंदी सी ते शहर भर दे सिनेमा च नुमाइश लई पेश कीतीआं जांदीआं सी। इन्हां फिल्मां दे इश्तिहार कई दिन पहलां ही अखबारां च आउणा शुरू हो जांदे सी। फिर ईद दे दिनां च सिनेमाघरां दे सामने रश वध जांदा सी। टिकट लैण वाली खिड़कियां ते खूब रंगा मुश्ती हुंदी सी। टिकट ब्लैक च विकदे सी ते बड़े झगड़े हुंदे सी जिन्हां नूं कंट्रोल करन लई सिनेमाघरां दे बदमाश नौकर हुंदे सी। ईद दिन हर सिनेमे लई खिड़की तोड़ दिन हुंदे सी। ईदी मिलन ते बाजारी चीज़ां भी बड़ी तादाद च खादियां जांदियां सन। इस दौर च मशहूर बिस्किट यूनियन बिस्किट करीम बिस्किट बनाना बिस्किट बड़े शौक नाल खाधे जांदे सी। फिर असी डिजिटल हो गए। साडा सारा कुछ बदल गया। हर दी जगह SMS ते वट्सएप ते ईद मुबारक देना शुरू कर दिती। असी ईद की खुशियों विच अपने दोस्तों नूं शामिल करना छड़ दिता ते असी एक कमरे विच बंद हो के सौ के ईद मना लैंदे आ। नाज़रीन अगर थानू साड़ी ये वीडियो चंगी लगी होवे ते वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करना ते चैनल नू सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली नवी वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। जल्द हाजिर होवांगा एक नवी वीडियो दे नाल। रब रखा।